हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिएक्ट वॉल में। मेरा नाम है निखिल। तो गाइस, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों, आज मैं एक मलयालम मूवी ट्रेलर को रिएक्ट करने वाला हूँ, लेकिन ये कोई नया ट्रेलर नहीं है बल्कि काफ़ी पुराना ट्रेलर है। मेरे ख्याल से ये 2019 में आया हुआ ट्रेलर है और नाम है गाइस लूसीफर। और इसका रीज़न है गाइस कि मैंने अभी कुछ दिनों पहले कड़ुआ मूवी ट्रेलर का रिएक्शन दिया था गाइज, और उसके अंदर पृथ्वीराज सर को देख के गाइज मज़ा ही आ गया था। और आप में से काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि यार आप लूसीफर मूवी चेक करो, क्योंकि उस मूवी के अंदर विवेक ओबरॉय थे और मुझे लगा था कि वो उनकी पहली मूवी है मलयालम में। लेकिन ऑब्वियसली आप लोगों ने बताया कि लूसीफर वो पहले कर चुके हैं और इसके अंदर मोहनलाल सर भी है। और जो सबसे ख़तरनाक चीज़ जो मुझे पता चली उस समय कि ये जो मूवी है लूसीफर, उसको डायरेक्ट किया है पृथ्वीराज सर ने। यानी मैं तब से समझ रहा था कि यार पृथ्वीराज सर सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं और इतनी ब्रिलियंट एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने एक मूवी डायरेक्ट भी कर ली। और जहाँ तक मुझे पता चला है कि ये मूवी वन ऑफ द मोस्ट ग्रॉसर, मतलब एक हाईएस्ट ग्रॉसर मूवी में से एक है मलयालम मूवी की, तो यार ये देखने लायक होगा, क्योंकि मैंने तो यार नाम नहीं सुना था। और अब जाके मुझे पता चला है कि पृथ्वीराज सर ने मूवी डायरेक्ट की है और उसके अंदर मोहनलाल सर है। और तो यार नाम से तो काफ़ी एक्साइटिंग लग रही है लूसीफर। यानी अगर बात की जाए लूसीफर की, तो मैंने जो अमेरिकन ड्रामास में ज़्यादातर देखा है उसके अंदर लूसीफर तो यार वो जो एक डार्क एंजल की तरह दिखाते हैं ना मेरे ख्याल से, क्योंकि लूसीफर नाम की काफ़ी सीरीज़ भी आ चुकी है और काफ़ी सारे सीरीज़ के अंदर लूसीफर का कैरेक्टर हमने देखा है। तो क्या उस कॉन्टेक्स्ट में होने वाला है, ये देखने लायक होगा। तो लेकिन ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला कि इसके अंदर एक तो मोहनलाल सर है और पृथ्वीराज सर ने इसको डायरेक्ट किया है, ये दोनों चीज़ यार इतनी एक्साइटिंग है। तो मैं रुकूंगा नहीं, पहले मैं देखूंगा ट्रेलर और उसके आगे हम चर्चा करेंगे गाइस कि इसके अंदर है क्या। विवेक ओबेरॉय ओके, स्तुति पाड़ा टोविनो थॉमस भी है यार। पॉलिटिक्स के बारे में लग रही है। ദൈവത്തിന്റെ മാളികയിൽ കയറി കൂടി അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം മാലാഖമാരായി അത്രയും കാലം വേഷം ഓക്കെ മഞ്ജു വാരിയർ ബി കയ്യിലായി ഭരണം സ്റ്റാർ കാസ്റ്റ് ജബർദസ്ത് യാർ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാടായി ബിജിഎം യാർ ഓക്കെ റീപ്ലേസ് കരെങ്കിൽ സ്റ്റീഫൻ നിർമ്മൽ സ്റ്റീഫൻ ओके मोहनलाल सर का कैरेक्टर का नाम स्टीफन है। लुक देखो यार चेहरे पे, इंटेंसिटी देखो मोहनलाल सर। बीजीएम यार इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट कॉमेडी बेब, इट्स कॉल्ड इंडियन पॉलिटिक्स। ओके तो टोविनो थॉमस भी एक पॉलिटिशियन है इसमें। जेड ओके बिजनेसमैन है, रशियन भी है। युद्ध मन में इंतन बिटवीन इविल एंड इविल, एक्शन होने वाला है भाई इसमें। भाई फायरवर्क्स तो देखो लूसीफर। दिस डील is with the devil. Deal with devil. Directed by Prithviraj Sukumaran. Okay, yaar. Bhai saab. यार इंटेंसिटी यार ट्रेलर की, BGM ट्रेलर का, एक्टिंग, इतने सारे जबरदस्त कैरेक्टर इसके अंदर, क्या नहीं है यार। और ऐसे कैसे मिस कर दी मैंने यार इतनी बड़ी मूवी। अब पता चल रहा है कि जिस हिसाब से इसकी कास्ट है, इसके अंदर जितने लोगों ने काम किया, इंटेंसिटी और इसके BGM, इसका म्यूज़िक, इसकी स्टोरी, यार स्टोरी मतलब एक पॉलिटिकल ड्रामा नज़र आ रहा है। और स्टार्टिंग जिस हिसाब से की ना इन्होंने, जो स्टोरी टेलिंग से, वो इतना ज़बरदस्त था, क्योंकि एक किंगडम को वो कहीं ना कहीं रेफ़र कर रहे थे पॉलिटिक्स के साथ, है ना, वो दोनों को कि भाई पॉलिटिक्स के बारे में बताने के लिए वो एक रेफरेंस दे रहे थे किंगडम का, कि भाई एक किंग होता है और उसके बच्चे होते हैं और कहीं ना कहीं उसको एक गॉड की तरह देखा जाता है, और जब वो मर जाता है तो उसके जो बाकी के जो बच्चे रहते हैं, और ऑब्वियसली मुझे लग रहा है कि अगर वो तीनों भाई बहन है विवेक ओबेरॉय, टोविनो थॉमस और मंजू वॉरियर जो तीनों हैं,
अगर वो तीनों भाई बहन है तो इतना तो पता है कि जो विवेक ओबेरॉय का कैरेक्टर है वो एक बिजनेसमैन की तरह दिख रहा है और शायद वो आगे पॉलिटिक्स में आता है, और वो मेरे ख्याल से एक नेगेटिव यानी एंटेगनिस्ट का कैरेक्टर लग रहा है। और मंजू वॉरियर का कैरेक्टर मुझे पॉजिटिव नज़र आ रहा है ना, क्योंकि वही एक लग रही थी कि जो शायद जो उनका फादर था, उनका चेहरा नहीं दिखाया उनके फादर का जो स्टार्टिंग में मरा, तो उसके लिए दुखी तो वही लग रही थी। और टोविन और थॉमस का कैरेक्टर अब वो बड़ा ग्रे लग रहा है गाइस, पता नहीं चल रहा कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि मोस्टली तो मुझे अगर वो पॉलिटिक्स में है और जिस हिसाब से वो इस चीज़ को लेके खुश होता है ना कि ये पॉलिटिक्स है, तो पता नहीं ऐसे लग रहा है कि वो अगर शेडी है तो शायद वो एक नेगेटिव कैरेक्टर हो, एंटेगनिस्ट हो। तो हो सकता है कि इसमें हमें मोहनलाल सर पॉजिटिव कैरेक्टर में दिखाई दे, लेकिन सबसे ज़बरदस्त चीज़ यही है कि इसका नाम ही लूसीफर है। और जैसे मैंने कहा गया कि अगर ये लोग बात कर रहे हैं कि डील विद डेविल की, लूसीफर की, तो क्या ये कैरेक्टर क्या मतलब एक शेडी कैरेक्टर होने वाला है मोहनलाल सर का, जो पॉजिटिव के एक तरह काम करेगा? क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि फुल पॉजिटिव कैरेक्टर होने वाला है, और जिस तरीके से उसको बुलाया जाता है और एक बहुत दमदार कैरेक्टर है, और वो पूरी खलबली मचाने वाला है क्योंकि इसमें पूरा इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में दिखाया गया है। और जैसे कि मैंने कहा कि बिट्रेयल होने वाले हैं बहुत ज़बरदस्त इसके अंदर, और BGM इतना अच्छा है, स्टोरी लाइन इतनी अच्छी लग रही है, क्योंकि इंडियन जो पॉलिटिक्स है उसके ऊपर एक मूवी बनाना बहुत ही टफ चीज़ है कहीं ना कहीं, क्योंकि बॉलीवुड में भी मैंने देखा है 2-4 ही मूवीज़ है जो इतनी अच्छी है पॉलिटिकल, आप बोल सकते हो कि एक पॉलिटिकल सिनेरियो में इतनी अच्छी मूवी बनी है, लेकिन उतना मुश्किल होता है। लेकिन ये उतनी अच्छी लग रही है क्योंकि इसके अंदर जो इंटेंसिटी नज़र आ रही है, उसके अंदर जो डायनामिक्स नज़र आ रहे हैं ना जो लोगों के, क्योंकि कहीं ना कहीं फैमिली बिट्रेल और उसी के अंदर पॉलिटिक्स को डाल देना बहुत ज़बरदस्त लगता है। क्योंकि अब जैसे कि इसमें जो मोस्टली जो पॉलिटिक्स होती है वो कहीं ना कहीं अगर बात करेंगे पूरी इंडिया की कि भाई अगर इंडिया के लेवल पे पॉलिटिक्स हो रही है तो वो पॉलिटिकल लेवल पे भी फैमिली के अंदर भी बिट्रेयल्स होते हैं ना, वो चीज़ इसके अंदर मेरे ख्याल से दिखाई गई है और बहुत ही बेहतरीन लग रही है। और विवेक ओबेरॉय का कैरेक्टर यार बहुत पावरफुल लग रहा है, और जैसे कि आप लोगों ने मुझे बताया कि ये उनकी पहली फिल्म थी मलयालम के अंदर, और यार बहुत ज़बरदस्त कैरेक्टर लग रहा है उनका, काफ़ी एकदम डेडली सा लुक, यार लुक हो या फिर उनका उनका पोस्चर हो, जिस तरीके से वो बैठे थे वो, और यार टोविन और थॉमस मिनल मुरली के अंदर तो यार एकदम क्या बोलते एकदम लाइट सा कैरेक्टर था उनका, और इसके अंदर एकदम सा डार्क सा कैरेक्टर लग रहा है उनका। और मंजू वॉरियर यार उनको मैं उनका ट्रेलर देखा था मैंने जैक एंड जिल, और बहुत ही बेहतरीन एक्टर लग रही है, और इसके अंदर मेरे ख्याल से काफ़ी इंटेंसिटी वाला उनका रोल होने वाला है, इमोशनल वाला रोल होने वाला है। तो यार हेड्स ऑफ, मतलब पृथ्वीराज सुकुमारन का डायरेक्शन देख के बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि इस मूवी का डायरेक्शन यार एक लार्ज स्केल वाली मूवी लग रही है, छोटी नहीं है। इसके अंदर जितना एक्स्ट्राज और जितने लोग जितने कैरेक्टर और जितना एंड में हम फायरवर्क्स देखते हैं ना, जो ब्लास्ट और एक्शन और ये सब काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है यार एक ट्रेलर के अंदर। पॉलिटिकल डायनामिक्स तो है ही, बिट्रेयल है और फैमिली के अंदर कुछ चल रहा है, और कितने सारे कैरेक्टर्स भी है इसके अंदर, जो मैंने नाम लिए वो तो है, उसके अलावा कितने सारे कैरेक्टर्स है, तो बहुत कुछ हो रहा है यार इसके अंदर, और बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। जिस हिसाब से जिस तरीके से एक स्टाइलिस्ट वे में इसको शूट किया गया है वो इतना अच्छा लग रहा है। और यार मोहनलाल सर की तो कोई भी मूवी देख लो, उनकी जो इंटेंसिटी रहती है ना, मैं कह रहा हूँ वो एक ऐसे एक्टर है जिनको डायलॉग की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ अपने चेहरे की इंटेंसिटी से कई बार फ्रेम में बस अपने चेहरे से इंटेंसिटी इतनी अच्छी तरीके से झलका देते हैं ना कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ती कि भाई डायलॉग की कोई ज़रूरत नहीं है, बस उनका एक लुक ही काफ़ी है। और वो इसमें भी नज़र आ रहा है मेरे ख्याल से कि काफ़ी सारे उनके सिर्फ एक स्टिल लुक और मेरे ख्याल से बिना डायलॉग वाले ऐसे लुक्स काफ़ी सारे होंगे जो पावरफुल होंगे, है ना, जब वो विवेक ओबेरॉय के सामने बैठे होते हैं और वो डील सुना रहा होता है अपनी, और वो बस सिर्फ बैठे होते हैं और वो सिर्फ देख रहे होते हैं, और वही मुझे लगता है कि भाई ख़त्म, ऐसे होने वाले बहुत सारे अगर ऐसे सीन हुए तो यार बहुत मज़ा आ जाएगा। और सही में गाइज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस मूवी को देखने के लिए, और ऑब्वियसली मूवी तो आ चुकी है और आप लोगों ने जिस हिसाब से बताया इसका रिव्यू दिया है कि बहुत बेहतरीन मूवी है, तो मेरे लिए तो कोई स्पॉइलर नहीं है, ये अच्छा है कि मुझे, मैं एकदम ऐसे जाऊँगा कि मुझे पता नहीं है इस मूवी के बारे में, और ट्रेलर से बहुत अच्छी लग रही है गाइज मूवी, और देखते हैं गाइस कि क्या होगा मूवी के अंदर। मैं सही में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और ट्रेलर मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और भी मूवी मुझे रेकमेंड कर सकते हैं गाइस मलयालम मूवी की, और मैं क्या देखूँ इसके अलावा, पृथ्वीराज सर का हो या मोहनलाल सर का हो और टोविन थॉमस सर का,
और भी कितनी सारी मूवीज आप मुझे रेकमेंड कर सकते हो, ट्रेलर रेकमेंड कर सकते हो गाइज, और वीडियो को जैसे मैंने कहा आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलो गाइज यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप। और इसके अलावा तो क्या बोलूँ, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।